जय हिंद, नमस्कार। आधार कार्ड हिस्ट्री डिलीट कर दोबारा 10वीं के कागजों से क्या सेना भर्ती में शामिल हो सकते हैं? आधार कार्ड हिस्ट्री आखिर डिलीट कैसे करते हैं? क्या आधार कार्ड हिस्ट्री डिलीट हो सकती है? दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा कुछ संभव है भी। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप में से अधिकतर साथियों ने डी न्यूज़ भारत को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी तक भी फॉलो नहीं किया है, यानी अभी तक भी आप हमसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ भी हम आपको इसी तरह की खबरें देते रहते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं। इसलिए आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक भी हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, डी न्यूज़ भारत को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो आप अभी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में भी इनके लिंक दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं सीधा खबर पर। देखिए दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आधार कार्ड हिस्ट्री डिलीट करके दोबारा 10वीं किए हुए कागजों से क्या कोई सेना भर्ती में शामिल हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, यह सवाल हमें आप में से ही कई युवाओं ने पूछा है, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है कि युवा ओवर एज होने पर दोबारा 10वीं कर लेते थे और उन कागजों में अपनी उम्र कम करा लेते थे, और इसके बाद उन्हीं कागजों के आधार पर वो अपने आधार कार्ड में भी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ कम करा लेते थे और वो सेना भर्ती में शामिल हो जाते थे और सेना में भर्ती भी हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। अब सेना ने अपनी सेना भर्ती सिस्टम को काफ़ी हाईटेक कर लिया है। अब अगर कोई भी युवा दोबारा 10वीं करके जाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। बस इसी सिस्टम से परेशान होकर ये युवा हमसे पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड हिस्ट्री को डिलीट कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको लेकर IT जानकारों से बात की है तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से कोई भी हिस्ट्री डिलीट नहीं हो सकती है और ऐसा छेड़छाड़ का कोई भी प्रयास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह कानूनन अपराध है। इस तरह का प्रयास करने वाले को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। आप इस तरह फर्जी बाड़ा 420 करके इस तरह सेना भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं, यह गलत बात है। और देखिए, जिस युवा ने हमें कमेंट करके ऐसा पूछा है तो उसे देखते हुए कुछ और भी युवा हमसे मैसेज करके पूछने लगे कि सर कैसे डिलीट करें हिस्ट्री को, तो वहीं कमेंट बॉक्स में ही एक जागरूक युवा ने इन भाइयों को समझाया भी है कि भैया ऐसा मत करना वरना जेल भी जाना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, भर्ती के लिए आप कोई भी ऐसा गलत काम बिल्कुल ना करें जिससे कि आपको परेशानी हो जाए या आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। अगर आप ओवर एज हो गए हैं, आपके पास में सेना में भर्ती के लिए कोई मौका नहीं बचा है, तो आप दूसरे किसी क्षेत्र में ट्राई कर सकते हैं, यानी जिसके भी लिए आप योग्य हैं, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर और आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप जिस भी वैकेंसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिसके भी लिए आप योग्य हैं, उस क्षेत्र में उस भर्ती के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 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 किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह कानूनन अपराध है, इससे आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।